खिचड़ी समझे। लेकिन जयश्री हम उनकी बेटी शिल्पी को भगाएंगे कैसे? अरे डोली में बिठा के, डोली में बिठा के। हम समझे? हाँ, अब समझ गया, समझ गया। हर्ष, हम विदाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा बहाना बना के शिल्पी को डोली में बिठा के स्मगल करके ले जाएंगे और फिर भगा के उसकी शादी कर देंगे। बाबूजी आप एक वर्ल्ड बेस्ट डोली का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है, ठीक है। और ये लीजिए खीर। अरे वाह। गटर में डाल देना, अंदर छिपकली गिरी है। चलो चलो, मेनका और जगत यहाँ पे नहीं है। शिल्पी को लेके चले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा। चलो ये बाबूजी, धक्का क्या मार रहे हैं आप? ये गाड़ी नहीं है। गोगे, डोली को उठाना है। बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। एक मिनट जयश्री बहन। ये हो गई। विदाई की सारी तैयारियां हो गई, प्रैक्टिस हो गई है और ये शिल्पी फिट हो जाती है इसमें। नहीं नहीं, शिल्पी दिखाई भी नहीं दे रही है, वो अंदर बैठी है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो जब यहाँ अंदर बैठेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अंदर बैठी है। हैं वो भी। आप डोली तो पूरी बंद है, मारी शिल्पी का तो दम ही घुट जाएगा ना। आपको थोड़ी खुली डोली लेकर आना चाहिए था ना जयश्री बहन। हाय हाय, खुली डोली मंगवाते तो आपको शिल्पी दिख जाती ना घर से भागते हुए। भागते हुए? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि विदाई में हमने रेस रखी है। अच्छा, भागते भागते विदाई है ना सब अभी। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। बोटीज हिमन कार, हिमा कार। मालकिन चुप रहना प्रफुल्ल, चुप रहे। कार है ये, भागते भागते विदाई का आइडिया तो अच्छा है। अरे अच्छा आइडिया है ना, तो आप भागने की प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग जाते हैं। चलो समती जी, मेरा बेटा शादी से पहले ये चिट्ठी छोड़ के भाग गया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इतने सारे दागीने पहने, इतने यहाँ पड़े, लूट कैसे गई ये? हमारा होने वाला दामाद शादी से पहले ही भाग गया। अरे पूरी बात तो सुनिए, किसी और की बेटी के साथ नहीं भागा है, आप ही की बेटी के साथ भागा है। हाय हाय, शिल्पी भाग गई, तो फिर ये डोली को। ये आपने हाँ हाँ क्यों किया? और ये आप आंखों से क्या इशारा कर रहे थे? अरे नहीं नहीं ऐसे। मारे को तो लगता है हमारे बच्चों को भगाने में इन्हीं दोनों का हाथ है। इसको कैसे पता चले? और ये डोली में भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, चलो डोली चेक करते हैं। नहीं नहीं शिल्पी, आ जा, आ जा। हाँ, चलिए चलिए। शिल्पी मर गई। आपने सही कहा था, मैंने कहा कैसे बॉन्डोली में शिल्पी का दम घुट जाएगा, घुट गया। अरे नहीं नहीं लो, मैं तो ये भी आपको बताना भूल गई, ये शिल्पी नहीं है, ये शशिकला मौसी है। देखिए बिंदी, देखिए। अरे हाँ, ये तो शशिकला मासी है। ये तो शिल्पी का है। हेरी, हेलो बा, जय श्री। गॉसिप खबर में तो शिल्पी और मिहिर की शादी हो गई भाग के। हाँ हाँ, परिवार वालों ने आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन जय श्री, मुझे समझ में नहीं आया कि शिल्पी डोली में से गई कहाँ? ओहो हंसा भाभी, शिल्पी डोली में थी ही नहीं। याद कीजिए, कहार कौन कौन थे? एक तो हिमांशु था, इससे वो बाबूजी थे, और इससे तो मेरे प्रफुल्ल थे। और चौथा याद करो। चल चल, हाँ चल। एक और जयश्री, शिल्पी ने मुझे कब बढ़ा लिया?
और ये अपने ही दूल्हे के साथ भाग कर शादी करने का ये भंगार आइडिया था किसका? मेरा हंसा भाभी, वो लड़के के माँ बाप की फरमाइश पे करोड़ों बर्बाद करने से अच्छा है वो पैसा मैं अपनी बेटी और दामाद को ना दे दूं। मेरी बेटी और दामाद भी यही चाहते थे, तो वादे के मुताबिक मेरी बेटी शिल्पी को भगाने का ये 1 करोड़ आपका। अरे अग्रवाल जी, आप अपनी बेटी को दे दीजिए। ठीक है, लाइए, मुझे दे दीजिए। वाह भाई वाह, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। भगवान सबको आपके जैसे पिता दे। लेकिन प्रफुल्ल जैसा बेटा किसी को ना दे। जयश्री, वो तो है, आज तो उससे हद कर दी। अग्रवाल जी, ये जाके अंदर कबाट में रख दीजिए और कबाट जरा साफ कर दीजिए। अरे बोला ना, कबाट साफ कर दो तो कर दो। हेलो, जाओ। अच्छा तो फिर मैं ब्यूटी पार्लर जाके आती हूँ। बोल, जरा तैयार हो क्या? अच्छा बताइए, आज प्रफुल्ल भैया ने क्या किया? देख क्या है? देख तू देख, जैसी देख, ये गार्डन के बाहर तबेला खड़ा कर दिया है इस गधे ने। हाय लॉर्ड प्रफुल्ल भैया, क्यों? क्या क्यों जयश्री भाभी, बाबूजी ने ही मुझे कहा था कि प्रफुल्ल बेटा मैं संगीत सीखना चाहता हूँ तो तू तबेले का बंदोबस्त कर देना। बाबूजी? अरे क्या बाबूजी कर रही है, मैंने तबेला नहीं तबला कहा था, तबला। ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, आपने यूं 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 तो किया ही नहीं था, और सबसे पहली बात आप ना दिन दिन ना तो बोले ही नहीं। हाँ भैया, चल मेरी गलती। देखा 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 कौन? लेकिन इतना तो सोच बेटा कि भैंसों का संगीत के साथ क्या लेना देना। बाबूजी आपको पता है इन भैंसों का मालिक जो है ना, उसका नाम संगीत है, संगीत। मैंने 300-400 तबेले ढूंढे तब जाके ये तबेला वाला मिला जिसका नाम संगीत है। और कहते हैं भैंसों का संगीत से कोई लेना देना नहीं। अरे जय श्री बहन, कुछ काम नहीं है तो जलेबी बना देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ओहो बाबूजी, अरे ये मेरा नया कुर्ता है, एक बार भी नहीं पहना। अतः इसीलिए तो इसमें बेसन डाल के जलेबी बना रहा हूँ, पहने हुए कपड़े में थोड़ी कोई जलेबी बनाता है। और बाबूजी, मार डाल मुझे ताकि झंझट से छूटूं। बोले चल हिमांशु, हम दोनों बैठ के चाय और मस्त ताजा उपमा खाते। बाबूजी को जहर दे दूंगी। मार डाल, तू जो मुझे मारने का मौका ही ढूंढ रही है ताकि ये घर हत्या सके तू। लेकिन याद रखना, ये मेरा घर है, मेरा। सुन रहा है कोई? नहीं। तो अरे नहीं सुन रहे हैं। अब सुनेंगे ये लोग मेरी? कभी नहीं।